एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के चेयरमैन मोहसिन शेखानी ने तमाम तामीराती मंसूबों पर काम रोकने का ऐलान कर दिया। मीडिया को जारी मुख्तसर वीडियो बयान में चेयरमैन आबाद ने कहा कि कराची में तमाम तामीराती मंसूबों पर कल से काम रोक रहे हैं। तमाम दस्तावेजात मुकम्मल होने के बावजूद बिल्डिंग्स को गैर कानूनी करार दिया जा रहा है। मोहसिन शेखानी ने कहा कि सरमायाकारों का एतमाद शदीद मुतासिर हो चुका है। मुकम्मल रेगुलराइज इमारतों को गिराया जा रहा है। बिल्डिंग्स में रहने वाले लोग खौफ सदा हैं और इदारे अपने फैसलों पर नजरसानी करें। चेयरमैन आबाद का कहना था कि इब्तदा में कराची के तामीराती मंसूबों पर काम रुका है, ताहम बाद में एहतजाज आज को पूरे मुल्क तक फैला दिया जाएगा। कल से आबाद अपना काम बंद करने जा रही है। आबाद के सारे मेंबर कल से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बंद करेगी और जब तक इसका रिजल्ट नहीं आता रिगार्डिंग टू के जो हम अप्रूवल लेते हैं, और एक आम आदमी जब हमसे फ्लैट लेता है और उसके बाद इसकी बिल्डिंग टूट जाती है तो हमारे अप्रूवल का कोई फायदा नहीं। तो हमें ये बावर कराना है गवर्नमेंट को कि अगर अप्रूवल ले ली तो आम आदमी रियल इस्टेट वाले हमारे सब जिम्मेदार हो जाते हैं आम आदमी के। तो मैं आप सबसे कहूंगा कि कल हमने 2:30 बजे नस्ला टावर पे एक गैदरिंग रखी है यकजहती के लिए, जिसकी अप्रूव बिल्डिंग थी वो टूटी जा रही है उसके लिए, और उसके बाद आबाद अपना लाए अमल नेक्स्ट भी जारी करेगा कि हमने क्या करना है। वाजह रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर कराची की रिपोर्ट मुस्तरद करते हुए नस्ला टावर गिराने से मुतालिक तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है, जिसमें नस्ला टावर फौरी मसमार करके मलबा साफ करने का हुक्म दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कमिश्नर कराची ने ताहाल अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया। फौरी अमल दरामद ना हुआ तो कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई होगी। तिजोरी हाइट्स स्ट्रक्चर को फौरी मसमार करके 26 नवंबर को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया गया है।